اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله मीठे मीठे इस्लाम भैया हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा वसल्लम का फरमानी अलीशान है जो मुझ पर एक मरतबा रुदे पाक पढ़ता है अल्लाह की उस पर दस रहमतें नाजिल होती हैं एक बहुत बड़े वलील हो गुज़रे हैं जो अबुल अबसन शाहली रहमतल्लि तल के नाम से मशहूर हैं आपका लकब बाहर और आरफ़ बिल्ला भी है और ये बुज़ुर्ग मिस्र के रहने वाले थे वहीं पर इनका मज़ार है जिस तरह हमारे यहाँ हज़रत दाता गंजब्श्श रहमतल मशहूर हैं हिंद के अंदर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतल्लि तैय को लोग जानते हैं पहचानते हैं इसी तरह मिस्र में भी हज़रत अबूल हसन शाज़ली रहमत लाई तल्ह का शोरा है आप रहा तल्ह का एक वाकया बयान करता हूँ आप फरमाते हैं कि मैं मस्जिद अक्सा में हाजिर था और वहाँ मैं सो गया ख़्वाब में मैंने क्या देख देखा कि एक बहुत बड़ा तख्त रखा हुआ है और बहुत सारे लोग आना शुरू हुए मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं कहा गया कि ये अम्बिया और मुसल्लातो सलाम हैं नबी हैं रसूल हैं फिर मैंने क्या देखा कि तख्त पर हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे आका सल्ला वसलम तशीफ़ फरमा है दीदार मुस्तफ़ा हुआ अलैहि वसल्लम तख पर हमारे प्यारे आका अलैहि वसल्लम हैं मैं करीब गया और मैं इनकी गुफ्तगू गुफ सुनने लगा हज़रत मूसा सलाम ने हमारे प्यारे आका मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इर्शाद फरमाया कि आपका ये फरमान हैलमाती कामबिया बनी इसराइल यानी मेरी उम्मत के ऊलमा अम्बिया बनी इसराइल की मानद हैं यानी दीन की तबलीगु इशात करने के अतबार से लिहाजा दीन की जितनी खिदमत खदमत इस्लाम ने की इतनी खिदमत किसी और दीन के आलमों ने अपने दीन में नहीं की तो आप उनमें से कोई एक आलम दिखाइए तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने हज़रत इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली रमतल तै की तरफ इशारा किया आपने जब हज़रत इमाम गज़ाली रमतल तल की तरफ इशारा फरमाया तो हज़रत मूसा सलाम ने इमाम गजाली रमतल तवाल किया वह सवाल क्या था ये तो तहरीर नहीं किया गया लेकिन आपने उस सवाल के दस जवाब दे दिए हजरत सलाम ने जब दस जवाब सुने तो आपने हजरत इमाम गजाली रमतल से फ़रमाया कि जवाब सवाल के, के मुआफ़ होना चाहिए मैंने एक सवाल किया जवाब भी एक ही होना चाहिए हजरत सैद्ला इमाम गजाली रम् तल ने जब हजरत मूसा अला नबी सलाम की ये बात सुनी तो आपने जो जवाब दिया वो भी बड़ा प्यारा था आपने जवाब दिया अर्ज़ किया या नबी अल्लाह अल्लाह जला ने आपसे एक ही सवाल किया था जैसा कि कुरान मजीद में है व मातिल का बेमीनी का या मूसा यानी ये तेरे दाने हाथ में क्या है मूसा तो आपने इसके कई जवाब दे दिए कि ये मेरा आशा यानी लाठी है मैं इस पर टेक लगाता हूँ इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसके अलावा मेरे और भी काम इससे सर अंजाम देते हैं हालांकि अल्लाह ताला ने तो आपसे एक ही सवाल किया था कि एमुसा सलाम आपके दाने हाथ में क्या है आपने इसके कई जवाब दे दिए जब आप सलाम तो को अल्लाह अजल से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ तो मोहब्बत और शौक के गलबे की वजह से आपने कलाम को तवील किया तो आज मैं अपनी खुशकस्मती पर नाज क्यों ना करूं कि मैं एक नबी सलाम से माहवे गुफ्तगु हूं मीठे मीठे इस्लामी भाइयों कहने लगे कि आज क्योंकि मैं आप जैसे अजीमबत उजम रसूल सलाम से हम कलाम हूँ तो इसलिए मैंने अपने कलाम को तवील किया है। हैत इमाम अबूल हसन शाहली रमोत ला फरमाते हैं ये मंज़र देख कर हज़ूर अनवर वसल्लम और नबी आल सलाम की मैं ज्यारतें कर रहा था और कितनी आजमत वाली बात थी कि हमारे प्यारे आका आल सलाम तख्त पर तशरीफ़ फरमाए हैं और अम्बिया सलाम नीचे तशरीफ़ फरमा है और मैं हैरान हो रहा था कि यह क्या मामला है कैसा प्यारा ख्वाब है इतनी देर में मस्जिद अक्सा के जो खादिम थे उन्होंने मुझे जगाया और जगा कर हैरान कन सवाल कर दिया बात की उन्होंने मुझसे कहा शाह अम्बिया सरवरे हर दो सरा प्यारे आकाश के मर्तबे पर क्या ताज्जुब करता है ये सब यानी सारे अम्बिया सलातो सलाम हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से ही तो पैदा हुए हैं अल्लाह खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी मुल्के को नैन में अम्बिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी सल्लूल हबीब सल्लाहम्मीठे मीठे इस्लामी भाइयों मदनी चैनल के नाजरीन इस वाक्य से जहां हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्ला वसल्लम की शान शौकत का पता चला वहीं आब सलाम की उम्मत के अलिया कराम और कराम की शान शवकत और मकाम व मरतबे का भी पता चलता है कि जब हजरत सैद्ला मूसा सलाम ने बारगह मुस्तफ़ा सल्लम में अर्ज़ की कि कोई ऐसा आलिम दिखाइए जो अम्बिया बन इसराइल की मिसल हो तो हमारे प्यारे अलैहि वसल्लम ने हजरत सैद्म गज़ाली की तरफ इशारा फ़रमाया यहाँ पर एक अकीदे की बात भी सुन लें कि अल्लाह वज़ल हरगिज़ हरगिज़ कोई ये ना समझ बैठे कि कोई वली मकाम व मरतबे में किसी नबी से ज़्यादा या उसके बराबर हो सकता है ऐसा हरगज़ नहीं हमारे प्यारे प्यारे इमाम आलसन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतल्ल तरमाते हैं कोई गैर नबी किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता और यह भी याद रखिए कि हर वली आलम ज़रूर होता है क्योंकि वली के लिए आलिम होना शर्त है मुफ्ती अमजदली आजमी रम् बहार शरीय ने फरा फरमाते हैं कि वलायत बेइल्म को नहीं मिलती जो इल्म वाला नहीं होता उसे वलायत भी नहीं मिलती वो वली नहीं हो सकता सिर्फ सिर्फ़ आलिम ही को मिलती है ख़ा बतोरे जाहिर हासिल किया हो या इस मर्तबे पर पहुँचने से पहले ही अल्लाह ताला ने उस पर तलूम मुनकशिफ़ यानी ज़ाहिर कर दिए हों आला अज़त रम्तुल्ल फरमाते हैं कि शरीयत और तरीक़त हरगिज़ हरगिज अलग अलग राहें नहीं हैं और ना ही कभी ऐसा हो सकता है कोई शख्स वली हो और आलिम ना हो सल्लूल हबीब सल्ला महम्मद मीडिया मेडि इस्लाम भाइयों मदनी चैनल के नाजरीन अल्लाह अजफल ने अपने वलियों को बड़ी शानों से नवाजा है और अपने लुफ़ोक करम से अपने इन बंदों को पसंद फरमा कर ख़ास बनाया है ये वो अजीम लोग हैं जिनसे ज़माने की जैबो जीनत कायम है रौनक है यही वो अजीम लोग हैं जिनकी इबादत की महक ने तमाम आलम को खुशबूदार कर दिया है यही वो अजीम लोग हैं जिनके दिल हर वक्त अल्लाह जल्ज जलालहू की अज़मत के सामने झुके रहते हैं यही वो लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है आज हम अलिया के मकाम व मरतबे और शान अजमत के बारे में सुनते हैं ताकि हमारे दिल के अंदर इनकी मोहब्बत बढ़े और हम इनके नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला ने पारा नौ अनफाल की आयत नंबर थर्टी फोर चौंतीस में इर्शाद फरमाया तर्जम कंजल ईमान इसके अलिया तो परहेजगार ही हैं इस आयत के तहत मशहूर मुफसर हकीम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नामी रहमतल बड़ी प्यारी बात इर्शाद फरमाई है आप फरमाते हैं को, कोई काफिर या फासिक अल्लाह अजफर जल का वली नहीं हो सकता वलायत अलाही ईमान और तकवे से मिलती है वली वही बनता है जो ईमान वाला हो और तकवे वाला हो इल्म वाला हो। इसी तरह पारा ग्यारह असूरा यूनुस की आयत नंबर बासठ में अल्लाह तजफर जल ने अलिया कराम की शान बयान फरमाई है सुन लो अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम अल्लादीन आमनु वकानू या वो जो ईमान लाए और परहेज़गारी करते हैं बुशरा फ़िल हयात दुनिया व फिल आखिर उन्हें खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में ला तब्दील कली मातिल्ला की बातें बदल नहीं सकती फौजुल अजीम यही बड़ी कामयाबी है मीठे मीठे इस्लाइम भाइयों इस आयत के तहत सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तलाशाद फरमाते हैं कि अल्लाह हजर के अलिया से मुराद वो नेक लोग हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए सुभान अल्लाह जैसा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औलिया अल्लाह लजीना इजारू जिक्र अल्लाह यानी औलिया उल्लाह वो हैं जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए सदरुल फाजिल हजरत आलामा सैयद मोहम्मद नयमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला इस आयत के तहत फरमाते हैं कि वली उल्ला वो है जो फ़राइज की अदायगी से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे अल्लाह ताला की इतात में मशगूल रहे और उसका दिल अल्लाह ताला के तूर जलाल की मार्फत में मुस्तगरक यानी डूबा हुआ हो जब देखे तो कुदरत इलाही के दलाइल को देखे जब सुने तो अल्लाह ताला की आयतें ही सुने जब बोले तो अपने रब अजफ जल की सनाही के साथ बोले और जब सुने तो अल्लाह ताला की आयतें ही सुने और जब हरकत करे इतात इलाही में हरकत करे जब कोई कोशिश करे तो इस काम में कोशिश करे जो कुर्ब इलाही का ज़रिया हो अल्लाह अजफल के जिक्र से ना थके और चश्मे दिल यानी दिल की आँख से खुदा अजफल के सिवा गैर को ना देखे सिफत अलिया की है बंदा जब इस हाल पर पहुंचता है तो अल्लाह उसका वली और नासिर और, मुईन और मददगार होता है आश के अलिया आश के अंबिया आश के रज़ा, बानिया दावत इस्लामी अमीर आल सुन्नत हजरत अलामामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी रजवी जियाई दावदिया लिखते हैं कि मुझको अल्लाह से मोहब्बत है बड़े प्यारे शेर हैं मुझको अल्लाह से मोहब्बत है ये उसी की अता रहमत है जिसको सरकार से मोहब्बत है उसकी बख्शिश की ये ज़मानत है आलो असहाब से मोहब्बत है और सब औलिया से उल्फत है अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद मीठे मीठे इस्लामी भाइयों इन आयात मुबारक और प्यारे प्यार आकलीलसम के फरामीन और सदरुल फाजिल सैयद मोहम्मद नीमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ने जो इरशाद फरमाया इससे पता चला कि अलिया ईमान वाले और मुत्तकियों व परहजगार होते हैं ये अल्लाह वाले कभी भी शरीयत से नहीं टकराते और ना ही शरीयत की मुखालफत करते हैं ये यह तो हर वक्त अल्लाह ताला की तरमाबरदारी और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं अल्लाह जल उनसे राज़ी होता है और वो अल्लाह से राजी होते हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी मार्फत और पहचान आता फ़रमाता है और इन्हें अपने राजों से आशना फरमा देता है ये वो बाबरकत हस्तियाँ हैं जिन्हें दुनिया अलिया के नाम से याद करती है जब इनका नाम हमारी ज़बानों पर आता है बिलासाख्त हमारी ज़बानों पर रमतल जारी हो जाता है मीठे मीठे इस्लाम भाइयों हजरत सैद्ला सोबान रजी अल्लाह तु से मरवी है कि हमारे प्यारे आकल्ला तम ने फ़रमाया कि बंदा अल्लाह ताला की रज़ा तलाश करता रहता है उसकी जस्तु में रहता है हती के अल्लाजल हजरत जब्राहील अमीन आलाम से फरमाता है कि फलाँ बंदा मुझे राज़ी करना चाहता है मुतले रहो कि मैं उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता हूँ उस पर मेरी रहमत है तब हजरत जब्राहील आल्लाम फरमाते हैं कि फलां पर अल्लाह की राहमत है और यही बात अर्श उठाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि फलां पर अल्लाह की राहमत है और हती के सातवें आसमान वाले भी ये कहने लगते हैं कि अल्लाह की उस पर राहमत है मुफ्ती अहमद यार खान नई इस फरमान पर कि मुतले रहो कि उस पर मेरी राहमत है इसका मतलब कुछ यूँ फरमाते हैं कि यानी इस पर मेरी कामिल रहमत है इस तरह के इससे मैं राज़ी हो गया ख्याल रहे कि अल्लाह की रज़ा Allah का राजी होना ये तमाम नेमतों से आला है जिससे अल्लाह राजी हो जाए उससे सब राजी जब रब ताला बंदे से राजी हो गया तो कौन उसके हो गए उससे मोहब्बत करने वाले हो गए रब ताला फरमाता है यानी अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी फिर बंदे पर वो वक्त आता है कि रब ताला बंदे को राज़ी करता है चुनाचे हजरत सैदाना सदी के अकबर रजी अल्लाह बारे में फ़रमाया वाला अल्लाह ताला तदीक़ को इतना देगा कि वो राज़ी हो जाएंगे गर्ज़ के आसमानों में इस रज़ाई रज़ाईलाही तलब करने वाले बंदे मोमिन के नाम की धूम मच जाती है शोर मच जाता है कि रहमतल्लाय मजीद फरमाते हैं कि ये रहमत लाई तल ये दुआया कलिमा है यानी अल्लाह ताला उस पर राहमत करे ये दुआ या तो फरिश्तों की मोहब्बत की वजह से होती है या खुद वो फरिश्ते अपना कुर्ब इलाही बढ़ाने के लिए ये दुआएं करते हैं फिर ये राहमत उस बंदा मोमिन के लिए ज़मीन पर नाजिल होती है इस तरह के कुदरती तौर पर इंसानों के मुंह से इस तरह के कलिमत रहमतल्ला रदी अल्लाह जैसे दवाइया कलिमात निकलने लगते हैं और लोगों के दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं दिलों की कुदरती कशिश बंदा मोमिन के महबूब खुदा बन जाने की दलील है यही वजह है कि हजूरों से पाक और ख्वाजा अजमेरी जैसे बहुत से बुजुर्गों को हम लोगों ने देखा नहीं है मगर सबको दिली मोहब्बत है मीठे भाइयों। बख्श जिनका मजारे पुरान मरकजिया लाहौर में है आप इनके दरबार आली में किसी वक्त भी चले जाए दिन का वक्त हो या फिर रात का वक्त हो शहर का वक्त हो हर वक्त आशकाने अलिया वहाँ पर मौजूद होते हैं कोई तिलावत कर रहा होता है कोई ज़िक्र कर रहा होता है कोई द्रुद पाक पढ़ रहा होता है कोई नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा होता है गोया के उनका मज़ार नेक नेकियां हासिल करने का मरकज़ बना हुआ है लोग फज्बरक़त हासिल करने के लिए कशा कशा इनके मज़ार की तरफ जा रहे होते हैं तो ये क्या है ये अलिया इक्राम की मोहब्बत है जो लोगों के दिलों में है अल्लाह ताला वजल हमारी इन मोहब्बतों में मज़ीद इजाफा फरमाए आइए एक और अदीस बाग सुनते हैं इन श्लाजल इसको सुनकर मज़ीद हमारे दिल में अलिया उल्ला की मोहब्बत बढ़ेगी और जब अलिया से मोहब्बत बढ़ेगी तो फिर नेकियों से ही मोहब्बत हो जाएगी ज़ाहिर है कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसके अमल भी अच्छे लगते हैं और अलिया क्राम तो होते ही अल्लाह ताली को राज़ी करने वाले वो नमाज़ें पढ़ने वाले होते हैं वो तकवा इख्तियार करने वाले होते हैं वो हकूकुल्ला, हकूकुल्ल इबाद का ख्याल रखने वाले होते हैं वो लोगों से मोहब्बत करते हैं लोग उनसे मोहब्बत करते हैं वो उसने अखलाक के पैकर होते हैं जब उनका कदम उठता है शरीयत के मुताबिक उठता है आकाश हम भी शरीयत पर अमल करने वाले बन जाएं, हम भी अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले बन जाएं, हम भी नमाज़ें पढ़ने और अल्लाह ताला के जिक्र में मगर रहने वाले बन जाएं। आइए हदीस पाक सुनते हैं कि हज़रत अबू हुरानल्ला से रवायत है कि प्यारे आकाश सल अल्लाह तसम ने अर्शाद फरमाया कि अल्लाहल जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हजरत जब्राई साम को बुला कर उनसे फरमाता है कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ तुम भी उससे मोहब्बत करो चुनाचे हजरत जब्राईल आलम भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं फिर हजरत जब्राइल आलम आसमान में निदा करते हैं पुकार कर फरमाते हैं कि अल्लाह वज़ल फ़लाँ से मोहब्बत करता है तुम भी उससे मोहब्बत करो जब ये निदा करते हैं तो आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं फिर इसके लिए जमीन में मकबूलियत रख दी जाती है तुम्हारा फजल है जो मैं गुलाम गौसो खाजा हूं ना हो कम औलिया की दिल से उल्फत या रसूल अल्लाह। मीठे मीठे इस्लाम भाई मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने वलियों से मोहब्बत फरमाता है हजरत जब्राहल सलाम वलियों से मोहब्बत फरमाते हैं आसमान वाले वलियों से मोहब्बत फरमाते हैं और आल ईमान ज़मीन वाले वलियों से मोहब्बत फरमाते हैं तो अल्लाह का कितना करम है कि हम उनसे मोहब्बत फरमाते हैं जिनसे फरिश्ते औरजरत इब्राहल आल्लाम भी मोहब्बत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे अम्बिया आल मतलब मोहब्बत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे अल्लाह ताली खुद मोहब्बत फरमाता है अल्लाह हमारी इन मोहब्बतों में इजाफ़ा फरमाए हजरत उमर फ़ारूक़ आज़म रजी अल्लाह तु से मरवी है कि प्यारे आकाश सल अलैहि तसम ने एरशात फरमाया कि बेशक अल्लाह अजल के बंदों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना अम्बिया हैं और ना ही शहदा हैं मगर क़ियामत के दिन अल्लाह अजल की बारगाह में उनका मकाम व मरतबा देख कर अम्बिया आलिम और शुहदा रश करेंगे लोगों ने अर्ज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताइए वो कौन लोग होंगे प्यारे आकाश ने इशात फरमाया ये वो लोग होंगे जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं हमें वलियों से क्यों मोहब्बत है इस वजह से यह किलियाल्ला है अल्लाह वाले तो बिहार आका आलियसलासमाम क्या फ़रमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन पर अम्बिया आलम और शहदा रश्क फरमा रहे हैं ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह से मोहब्बत करने की वजह से आपस में मोहब्बत करते हैं हालांकि उनके दरमियान ना तो रिश्तेदारी होगी और ना ही माल का लेन देन का मामला होगा और फिर फरमाया खुदा की कसम इन लोगों के चेहरे क़यामत के दिन नुरानी होंगे और जब सब लोग खौफ ज़दा होंगे क़यामत के दिन उस वक्त ये लोग बेखौफ़ होंगे और जब लोग अमगीन होंगे तो इन लोगों को कोई गम नहीं होगा इसी तरह एक और अदीस सुनते हैं और अलिया इक़राम से अपनी मोहब्बत में इजाफा करते हैं प्यारे वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो मुख्तफ़ शहरों में होते हैं मुख्तलिफ कबीलों में होते हैं उनके दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं होगी वो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत और दोस्ती रखते होंगे अल्लाह अजरज़ियामत के दिन नूर के मिंबर बिछा कर उन्हें उन पर बिठाएगा उनके चेहरे नूर बार होंगे नूरानी होंगे उनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा और उनके कपड़े नूर के होंगे क़ियामत के दिन लोग घबराहट में मुबतला होंगे मगर वो ना घबराएंगे वो अल्लाहल के अलिया हैं जिन पर ना तो कोई गम होगा ना कुछ खौफ होगा मीठे मीठे इस्लाम भाइयों सुना आपने अल्लाह अज अजल ने अपने अलियाकराम को कैसी शान अजमत अ तो फरमाई है कल रोजे क्या नफसी नफसी का आलम होगा लोग घबरा रहे होंगे मगर ये खूबसूरत लोग नूर के मिमरों पर होंगे अल्लाह वजल हमें अलिया इक्राम की मज़ीद मोहब्बत अता फ़रमाए आइए सुनते हैं कि ये अलिया अल्लाह वली कैसे बनते हैं हमारे प्यारे वसल्लम का फरमान है बड़ा ही प्यारा फरमान है बड़े ग़ौर से सुनिएगा अपने दिल में इसको जगह दीजिएगा प्यारे वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है इन हदीस कुछ सी है कि मेरे किसी बंदे ने मेरे फ़र्द करदा आकाम की वजह आवरी से ज़्यादा महबूब शे से मेरा कुर्ब हासिल नहीं किया कुर्ब इलाही जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से हासिल होता है वह फ़राइज पर अमल करने से होता है जी हाँ जैसे पंच वक्ता बाजमात नमाज है इसी तरह अगर हज फर्द हो जाए तो हज है ज़क़़़़़त फ़र्द हो जाए तो ज़क़़़़़त है और जब माहिर रमज़ान आता है शराब पाई जाएँ बाल हों आकिल हों वगैरह वगैरह तो माहिर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होते हैं तो अल्लाह ताला का कुर्ब ये फ़रज़ पर अमल करने से हासिल होता है प्यारे आकाशल फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे किसी बंदे ने मेरे फ़र्ज़ करदा आकाम की बजाय आवरी से ज़्यादा महबूब शायर से मेरा कुर्ब हासिल नहीं किया और फिर फरमाया मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है नफल पड़ता है कुर मिलता चला जाता है उसको यहाँ तक के मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ सुभान अल्लाह और फिर फरमाया जब मैं उससे मुहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है मैं उसकी आँखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है मैं उसके पाव बन जाता हूं जिससे वो चलता है अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे आता करता हूं और अगर किसी चीज से मेरी पनाह चाहे तो मैं उसे जरूर पनाह आता फरमाता हूं यह हदीस पाक बुखारी शरीफ की है जिल चार सफा नंबर दो सौ अड़तालीस हदीस नंबर 6502। हजार पांच सौ दो मीठे मीठे इस्लाइम भाइयों इस हदीस पाक के तहत हकीमल मुफ़्ती अहमद यार खान नई रम्ता ने बड़ी प्यारी शरह फरमाई है इसे हमेशा याद रखिए आप फरमाते हैं कि इस इबारत का ये मतलब नहीं है कि खुदा ताला वली में हलूल कर जाता है जैसे कोयला में आग या फूल में रंगोबू के अल्लाह ताला हलूल से पाक है और ये अकीदा रखना कुफर है बल्कि इस हदीस का मतलब ये है कि वो बंदा फनाफिल्ला के दर्जे पर फ़ायद हो जाता है फनाफिल्ला हो जाता है जिससे खुदाई ताकतें उसके आज़ामे काम करती हैं वो वैसे काम कर लेता है जो अक्ल से वरा है जिसे करामत भी कहा जाता है और फिर मिसालें बयान सुलेमान अली सलाम ने तीन मील के फासले से चूंटी की आवाज़ सुन ली सुबह अल्लाह हैरत बिन बरख़िया रजी अल्लाह तु ने पलक झपकने से पहले यमन से तख्ते बल्की लाकर शाम में हाजिर कर दिया हजरत उम्रदी अल्लाह तु ने मदीन मुनवरा से खुतबा पढ़ते हुए नहावन तक अपनी आवाज़ पहुँचा दी हजूर अनवर सल्लाम ने क्यामत तक के वाक़ बच् मुलाज़ा फरमा दिए ये।, ये सब ताकतें ये सब उसी ताकत के क्रश्मे हैं इस हदीस से वो लोग इबरत पकड़ें जो ताकत अलिया को नहीं मानते मीठे मीठे इस्लाई भाइयों जब बंदे को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाता है तो अल्लाह ताला की आता करदा कुवत से वो मीलों के फासले पर देख लेता है हमारे पीरा ने पी रोशन जमीर हजूर गौसे आजम शेख सिरो नूरानी कुदेन्नौरानी रमतल तरमाते हैं नज़र तो अलाबिला जम अन का ख़र दल अला हम तिस यानी मैं अल्लाह अजल जल के तमाम शहरों को इस तरह देखता हूँ जिस तरह हथेली पर राई का दाना हो मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपने रब की इज़्ज़त की कसम के तमाम सईद व शकी यानी शादतमंद और बदबक मुझ पर पेश किए जाते हैं मेरी आँख लोहे महफूज पर लगी है यानी लोहे महफूज मेरे पेशे नज़र रहता है हजरत सैदौना शेख अब्दुल हक मुहदस देलवी बहुत बड़े हदीस के इमाम हुए हैं बरसगीर पाको हिंद के अंदर आप अपनी किताब अखियार में सफ़र नंबर पंद्रह में हजूर गौसे आजम ताला ले का ते फरमान नकल फरमाते हैं कि गौसे पाक रहमत लाई फरमाया अगर शरीय ने मेरी मुँह में लगाम न डाली होती तो मैं तुम्हें बता देता कि तुमने घर में क्या खाया है सुबह अल्लाह और ये भी बता देता कि तुमने घर में क्या रखा है मैं तुम्हारे जाहिर बातिन को जानता हूँ क्योंकि तुम मेरी नज़र में आर पार नजर आने वाले शीशे की तरह हो हदीसी बात के तहत आपने हजरत सजद उमर फरूक आज़म रजी अल्लाह त वाक़ अजमाली तौर पर सुना कि हजरत उमर रदी अल्लाह तु ने मदीना मनवरा में रहते हुए अपनी आवाज़ नहावन तक पहुँचा दी थी आइए ये, ये वाक़ तफसली सुनते हैं एक मरतबा हजरत उमर फरुक आजम रजी अल्लाह तैन ने हज़रत सारिया रदी अल्लाह तैन को सिपा सलार बनाकर ईरान के शहर नहावन में जिहाद के लिए भेजा हजरत सारिया रजी अल्लाह तैन मारके में मसरूफ़ थे एक दिन हजरत उमर रदी अल्लाह तैन ने मस्जिद नबी के मंबर पर खुतबा पढ़ते हुए अचानक बुलंद आवाज़ से ये इर्शाद फरमाया या सारीतलबल यानी ए सारिया पहाड़ की तरफ अपनी पीठ कर लो हाजरी ने मस्जिद बड़े हैरान हुए कि ये क्या फरमा रहे या सारीतल के अल्फाज यह तो खुतबे का हिस्सा नहीं है लेकिन जब आपने ये इर्शाद फरमाया तो हजरत सारिया रदी अल्लाह उतल नहावन में यह आवाज सुन रहे थे और आप हैरान हो रहे थे कि यह तो आवाज अमीर अल-मुमिनीन उमर फारूक आजम रजियला तला की है कुछ अर्से के बाद आपका एक कासद मदीना मनवरा में हाजिर हुआ और उसने यह खबर दी कि जब कुफार से मुकाबला हुआ तो हमें शिक्ष होने लगी इतने में अचानक एक आवाज़ आई या जबल, या जबल, या, जबल, या जबल ए सारिया तुम पहाड़ की तरफ अपनी पीठ कर लो हजत सारिया रजी अल्लाह तैन ने फरमाया कि ये तो अमीरमिन उमर फरूक आजम रज़ी अल्लाह तल की आवाज़ है ये कहा और फौरन सपाही को हुक्म दिया कि पहाड़ की तरफ पुश्त करके सब बंदी करो इसके बाद कुफार से जिहाद करते करते मुसलमानों को फतह नसीब हो गई भटक सकता नहीं हर किस कभी वो सीधे रस्ते से करम जिस वक्त वर पर हो गया फारूक आजम का सल्लल्लाहु ताला अला, अला मुहम्मद मीठे मीठे इस्लाम भाइयों इस ईमान अफरोज़ वाक्य से मालूम हुआ कि बिला शुबा हजत अमीरमिन उमर फ़ारूक आज़म रज़ी तसाब करामत हैं क्योंकि मदीना मुनवरा से सैकड़ों मील दूर आपने आवाज़ भी पहुँचा दी यकी आपको वो मकाम नज़र भी आ रहा होगा और आपकी उस आवाज की बरकत से मुसलमानों को फतेह नसीब हुई तो मालूम हुआ कि अल्लाह वाले लोगों की मदद फरमाते हैं मीठे मीठे इस्लाई भाइयों और यह भी मालूम हुआ कि सबा इक्राम अलिया इक्राम के देखने सुनने की क़वत आम इंसानों के कान और आँख की तरह नहीं होती बल्कि हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह अजल ने अपने माबू बंदों के कान और आंख को आम इंसानों से बहुत ही ज़्यादा ताकत अता फरमाई है और उनकी आँखों कानों और दूसरे अजा की ताकत इस कदर बेमिसल और बेमिसाल है कि इनसे ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़ काम अंजाम पाते हैं कि जिनको देख कर हमारे ईमान ताज़ा हो जाते हैं मीठे मीठे इस्लाई भाइयों ये भी याद रखिए कि जब साहबा इक्राम और अलिया इक्राम की इन ताकतों का ये आलम है तो जो इन अलिया इक्राम और साहब इक्राम के नबी हैं अल्लाह ताला ने उन्हें कितनी बुलंद जो है ताक़तें अता फरमाई होंगी कितनी शरफ़ वाली ताकतें अता फरमाई होंगी मीठे मीठे इस टाइम भाइयों अल्लाह अजफ़ जो प्यारे वसल्लम के फ़राम में अलिया इक्राम के मकाम मरतबा को हम सुन रहे हैं और बाज़ लोग देखें जहाँ पर देसी घी होता है वहाँ पर वलायती घी भी होता है और कुछ नादान इस तरह की बातें भी करते हैं अपने मुंह से अपने आप को वलीअल्ला कह रहे होते हैं लेकिन साथ ही साथ ये भी बात करते हैं कि हम शरीयत की पाबंद नहीं हैं, माज़ अल्लाह, शरीय तो हमारी पाबंद है कोई कहता है कि तुम शरीयत पर चलो हमारा तरीक़त का रास्ता इससे अलग है तुम ज़ाहरी आहकाम पर अमल करते हो जबकि हम बातनी उलूम पर अमल पहें और बाद यह हीला साजी करते हैं कि मियाँ हम तो मदीन नमाज पढ़ते हैं मियाँ नमाज और रूहानियत का नाम है जो दिल में होती है मेरा दिल नमाजी है वगैरह वगैरह मीठे मीठे इस्लाम याद रखिए ऐसे स्याह बातिन लोगों का इनकी बेबुनियाद बातों का कोई एतबार नहीं है और ना ही ऐसे लोगों का वलाय जैसी अजीम नमत इलाई से दूर का भी कोई वास्ता है ऐसे लोग हरगिज़ वली वलील्ला नहीं हो सकते ऐसों से अपना और अकीदा महफूज रखना ज़रूरी है जो हकीकी वली होते हैं वो शरीयत के पाबंद होते हैं चुनाचे अली हज़रत इमाम सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रमतल फरमाते हैं शरीयत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्हुस के अकवाल हैं तरीक़त हजूर आलम के अफअल हैं और हकीकत हजूर आलाम के अहवाल हैं और हज़रत हजूर सलाम के आलमे बे मिसाल मीठे मीठे स्लाइम भाई और सुना आपने शरीयत शरीत और तरीक़त एक दूसरे से जुदा नहीं है यही वजह है कि अलिया ने सारी ज़िंदगी न सिर्फ ख़ुद अमल किया बल्कि लोगों को भी शरीयत पर अमल करने का हुक्म अरेसात फरमाया हजरत सैदा इमाम अबू नईम रहमतल तरमाते हैं अलिया इकराम अल्लाह ज़ात और उसकी मोहब्बत में मुस्तर यानी उसकी मोहब्बत में डूबे रहते हैं और उसके हुक्म की पाबंदी करते हैं तो वली वही होता है जो अल्लाह का महबूब होता है और अल्लाह उसे ही अपना महबूब बनाता है जो शरीयत पर अमल करने वाला होता है अल्लाह सब कोलिया की मोहब्बत अता फरमाए आमी सल्हल